कि हम कह रहे एक्सटेंशन दे दो, आप पुलिस भेज रहे हैं, लाठी चार्ज करवा रहे हैं। बच्चे भगदड़ में इधर उधर गिर रहे हैं, एक भी आदमी सामने नहीं दिख रहा। इन्होंने लिखित में हमारा नाम ले लिया था और इन्हें पता था कि ये अपनी मांगों को ये जल्दी पूरा नहीं करने वाले हैं और बच्चों की हालत बिगड़ सकती है। सड़क देख रहे हैं, छात्रों का मार्ग है ये, किसी की पपौती नहीं है, इस पे छात्र चलते हैं, इस पे बसेज नहीं क्रॉस करती है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर हमारा अपना बच्चा होता कि वो कैसे बर्ताव करते, अगर अभी हम मर भी जाए तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ने वाले अगर राजनीति में नहीं जाएंगे तो जाहिल जाएंगे पार्लियामेंट में, गुंडे मवाली जाएंगे पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी सुनी पड़ जाएगी। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के लॉ फैकल्टी में, जहां पर कुछ छात्र जो है अनशन पर बैठे हैं और क्या मामला है पूरा वो जानेंगे समझेंगे। और अभी आपने देखा होगा बाहर शॉर्ट्स हमने दिखाया आपको कि बाहर भी जो है बैरिकेड कर दिया गया है, रोड ब्लॉक कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबर आई है कि पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज भी हुआ है। क्या मामला है भैया, आप क्यों अनशन पर बैठे हैं? देखिए, ये सतत 20 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट का जो डिमांड था, दूसरे दिन जब प्रोटेस्ट हुआ 4 मार्च को, तो उसके बाद से यहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने आकर के आश्वासन दिया, ऑन कैमरा एयर हुआ है कि हम आपको 7 दिन का एक्सटेंशन देंगे, चूँकि हमारा 6 महीने का सिलेबस जो है वो 3 महीने में ख़त्म किया गया है और जो कि BCI के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, जिसको हम लोगों ने कोर्ट किया और उनसे कहा कि देखिए गलत है, हम देश के भावी वकील और जज बनने वाले हैं, हमें आधा अधूरा ज्ञान लेकर के एग्ज़ाम में मत बैठाइए, नहीं तो देश ऐसे भी, देश में जो है शिक्षा का स्तर किस लेवल पे जा रहा है, हमें उस नरक में मत ढकेलिए, हमें पढ़ने दीजिए, पढ़ के प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम देने दीजिए। कम से कम 10 दिन आप सिलेबस ख़त्म होने के बाद 10 दिन तैयारी करने के लिए दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम लीजिए। अब हठ में आकर के उन्होंने वादा तो किया, लेकिन उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बच्चों में एक उमंग आ गया कि मैम ने कहा है कि 7 दिन का एक्सटेंशन होगा और 2 एग्ज़ाम के बीच में 5 दिन का गैप होगा तो हम कवर कर लेंगे। बच्चों ने फिर भी इतने मानसिक प्रताड़ना के बाद, मानसिक और आर्थिक दबाव के बाद जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्होंने फिर भी कहा कि ठीक है 5 दिन का गैप है, हम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उसके बाद बच्चों में डिसकंटेंटमेंट फैला कि भाई ये तो मतलब खिलवाड़ है कि आपने वादा किया ऑन कैमरा आकर के और उसके बाद से आप नोटिफिकेशन ही जारी नहीं कर रहे हो। तो एग्ज़ाम के डेट को लेकर के एक दिन वेट किया गया, फिर अगले दिन यहाँ पर जो हमारे भाई हैं, 4 भाई यहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट जो है हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे, हम लोगों ने समर्थन में यहाँ पर एक प्रोटेस्ट की शुरुआत की कि हमारी मांगों को पूरी की जाए। और जो आंदोलन है वो उसकी मांग यही थी कि आपने जो वादा किया था उससे मुकरो मत, आपने 7 दिन के एक्सटेंशन की बात की थी, 7 दिन आप एक्सटेंशन दो, 5-5 दिन का गैप रखो। लेकिन 3 दिन हो गए, ये बच्चे 4 यहाँ पर बिना खाना खाए पानी पिए लेटे हुए हैं। कल रात ये अभिजीत ये बेहोश हो गया, यहाँ से हम लोग इसको हिंदू राव हॉस्पिटल लेकर के गए, उस समय भी इसको हम ले जाकर के गेट पर आधे घंटे तक हम लिटाए रहे, कोई भी प्रशासन से सूद लेने नहीं आया यूनिवर्सिटी से। ये कितने शर्म की बात है, अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया, एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं। उसके बाद आज भी एक लड़का बेहोश हुआ, आज एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, लगभग हजारों की तादाद में छात्र यहाँ मौजूद हैं, और आज एक और छात्र बेहोश हुआ, वो भी हॉस्पिटल गया आया, पुलिस को सामने कर रहे हैं, हमसे SHO सवाल कर रहा है कि आपकी मांग क्या है। हमने कहा कि आप डीन मैम को भेज दीजिए, वो हमारी आदरणीय है, वो हमारी मैडम है, वो हमें पढ़ाती हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि जो हमारी मांग थी उसे आप मान लीजिए, जो आप लोगों ने वादा किया था उस पर आप अड़े रहिए। तो प्रशासन को आगे करके, अभी बच्चे जब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ बच्चियाँ गेट पर बैठी हुई थी प्रोटेस्ट कर रही थी, बच्चियाँ आगे बढ़ी, बच्चे उनके पीछे गए, पुलिस ने निर्मम तरीके से लाठी चार्ज किया है लॉ के छात्रों पर,
इस देश में, इस देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के सबसे दिल कहा जाता है लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ से शिक्षाविद निकलते हैं, यहाँ से कानून बनाने वाले लोग निकलते हैं, कानून मंत्री निकलते हैं, जज अधिकारी अफसर निकलते हैं, लॉ मेकर्स निकलते हैं, और इनके ऊपर जो दूसरों के अधिकारों को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ते हैं उनके ऊपर निर्मम तरीके से लाठीचार्ज किया गया, बच्चे भगदड़ में इधर उधर गिर रहे हैं, एक भी आदमी प्रशासन से डीयू प्रशासन से एक भी आदमी सामने नहीं दिख रहा, सिर्फ दिख रहे हैं तो हमें हमारे गार्ड भाई दिख रहे हैं जो यहाँ पे गेटों पे खड़े रहते हैं, और नहीं तो आतताई पुलिस दिख रही है बाहर जो बच्चों पर लाठी चार्ज कर रही है। अब बताइए ये कौन सा तरीका हुआ, ये किस तरह का लोकतंत्र है जब दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे बड़े विधि संकाय में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, जहाँ कानून बनाने के कानून बनाने वाले पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कानून वाले लोग पढ़ाते हैं वही हनन कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, हम तो यही कमजोर कर रहे हैं। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे बाहर की जो छात्र हैं उन लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया है, बैरिकेडिंग कर दिए, तो प्रशासन का मतलब ऐसा आरोप लगता है कि छात्र जो हैं वो भी थोड़ा वो करते हैं रोड ब्लॉकिंग वगैरह, जिससे आम जन को जो है दिक्कत हो। देखिए हम आम जनता के खिलाफ हमारे साथ के जो भी छात्र हैं कोई भी इतना इनसेंसिटिव नहीं है, ये छात्र मार्ग है, ये जो आप सामने सड़क देख रहे हैं छात्रों का मार्ग है, ये किसी की पपौती नहीं है, इस पे छात्र चलते हैं, इस पे बसेज नहीं क्रॉस करती हैं, और छात्र मार्ग पर छात्र के मुद्दों को लेकर के छात्र खड़ा हो रहा है तो आप लाठी मार रहे हो और कह रहे हो कि तुम अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। अवरोध आपने इनके जीवन में उत्पन्न किया है, अवरोध आपने उन सभी छात्रों के जीवन में उत्पन्न किया है, हजार छात्रों के जीवन में उत्पन्न किया है जो अपनी मांगों को लेकर के खड़े हैं, लेकिन आप इतने हट में हो, इतने अहंकारी हो, इतने तानाशाही हो कि आप अपने वादा पर भी रहने के काबिल, मतलब वादा पर रहने की उस पर नहीं हो, स्टैंड पे नहीं हो कि हम अपने वादे पे रहेंगे। अब आप क्या समझेंगे, इस बात को आप कैसे लेंगे कि प्रशासन को आगे करके एडमिनिस्ट्रेशन बात करता है, डीयू की प्रॉक्टर बात करें, वो हमारी आदरणीय है, हमारी मैम है, ठीक, यहाँ के डीन बात करें, वीसी सर बात करें, पुलिस का क्या काम है भाई छात्रों के बीच में, गुंडे हैं यहाँ या गुंडे पढ़ते हैं, यहाँ देश के क्रीम लड़के आते हैं जो पढ़े लिखे अच्छे एंट्रेंस दे करके बच्चे पहुँचते हैं यहाँ पे, घिस करके पहुँचते हैं और पढ़ करके वकील और जज बनना चाहते हैं, लॉ मेकर बनना चाहते हैं, उनके आप लाठी चार्ज करवा करके उन पे क्या संदेश देना चाहते हैं आप देश में, जब डीयू के लॉ फैकल्टी में लोकतंत्र नहीं है तो मैं देश के किस हिस्से में लोकतंत्र की बात करूँ कि सुरक्षित है, हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो कौन अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, हम यहाँ हार जाएंगे तो हम लोगों के अधिकारों के लिए क्या लड़ेंगे जमीन पर जा करके, भाई आप ये बताइए कल कोई PIL डालना हो हम किस मुँह से जाएंगे कि भाई हम लॉ फैकल्टी में हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा था हम वहीं नहीं लड़ पाए, ये मुँह लेके जाएंगे, ये हमारे पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है, ये हमारे पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है कि हम अपने अधिकारों को सुरक्षित करें और देश के जनमानस के अधिकारों को सुरक्षित करें। अभी जो लाठी चार्ज हुआ है उसमें क्या किसी को गंभीर चोट आई है, कोई छात्र ऐसा कुछ? छात्रों को चोटें आई हैं, कुछ लोग गए हैं हॉस्पिटल, अब वो MLC होगा क्या होगा उसके बाद पता चलेगा किसको कितनी चोटें आई हैं, अब इसका भी जवाब प्रशासन ही देगी कि क्यों उन्होंने लाठी चार्ज करवाया, मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। भैया सर एक बात बताइए, कोरोना टाइम में जो पढ़ाई था वो पूरा ऑनलाइन हुआ, तो ऐसे में अगर 10 दिन एग्ज़ाम जल्दी भी हो जा रहा है तो उसमें क्या परेशानी है, इतना तो पढ़ाई दिया होगा ना टीचर वगैरह? देखिए पहली सेमेस्टर जो थी वो ऑनलाइन हुई थी और उसकी जो परीक्षाएँ हुई थी वो भी ऑनलाइन थी, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर हुआ जो कि 2 या 3 मई से शुरू हुआ, ठीक है 2 या 3 मई आता कब है वो शुक्रवार कोई बीच में ही था मतलब, तो उसके बाद समझ लो सैटरडे संडे आ गई, तो आप मान के चलो कि हमारी जो क्लासेज जो शुरू हुई वो 8-9 मई से शुरू हुई, ठीक है, और हमें मुश्किल से 2 महीने पढ़ाया गया है और उसमें भी इन्होंने इतनी जल्दी सिलेबस कवर कर दिया है, हमारे एक एक सब्जेक्ट में आप समझ लो 20-25 केसेज होती हैं, एक सब्जेक्ट में 25-30 केसेज होते हैं और 5 सब्जेक्ट है, पांचों का आप मिला के देख लो 150 से 170 केसेस सब लोगों को पढ़ना होता है, जो कि एक आम विद्यार्थी, अब हम मशीन तो है नहीं कि अब हमें टाइप कर दिया और हम पे सब आ गया,
तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए हमारी बस एक छोटी सी मांग थी कि भाई आप कुछ दिन बस, आपने बस, इन्होंने पहले क्या किया कि 10 से मतलब 31 को क्लासेज हमारी ख़त्म हुई, वो भी कुछ के ही ख़त्म हुई क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस था कि जो इतने कम ड्यूरेशन में नहीं, कल तक और परसों तक हमारे मतलब बहुत सारे सेक्शन में जो मित्र, उन्होंने बताया कि उनके टीचर जो कि 31 डेडलाइन तक क्लासेज ख़त्म नहीं कर पाए थे, वो कल और परसों तक ऑनलाइन क्लासेज ले रहे थे, और वो भी एकदम जैसे वो कहते हैं ना 5G स्पीड में, वैसे सिलेबस, वो बस अपना एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे कि हाँ हमने सिलेबस कर दिया। तो आप खुद सोचो कि परसों तक क्लासेज चल रही है और जो हमारी जो डेट शीट है वो परसों से, 4 दिन का आप एक्स्ट्रा टाइम दे के बच्चे क्या पढ़ पाएंगे इसमें बताइए। और यहाँ पे हम प्रोटेस्टरों की बात रखना चाह रहे हैं कि हम जो मेरे साथ मैं हूँ ये हैं और हमारे और 6 मित्र जो यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, इन्होंने ना पानी ग्रहण किए हैं, मैंने भी पानी ग्रहण नहीं किया है, और भी 6 हैं उन्होंने, आप भी आमरण? हाँ जी हम भी हैं। हम लोगों ने मतलब 3 दिन हो गए, आज हमारा 3रा दिन है, मतलब आज क्या डेट क्या हो रहा है, आज 8 है ना, हम 5 के रात को जो खाना खाए थे उसके बाद हमने रात में पानी पी होगी 5 को, मगर 6 से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस दिन से ना हमने पानी पिया है ना खाना खाया है, कुछ भी नहीं, हम ऐसे ही बैठे हैं। और इनका एक प्रतिनिधि भी आया था, कोई सिक्योरिटी इंचार्ज आया था, तो वो हमसे पूछ के गया कि कौन कौन बैठ रहा है, तो वो बताई नाम लेके गया था 8 लोगों का, ऑफिशियली हमने उन्हें नाम दिया था कि हम 8 लोग बैठ रहे हैं, तो पहले हम नाम देने से मना कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये देना पड़ता है। तो चलो आप जब अनशन का ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो तो एक बेसिक चीज़ होता है, कहीं भी अनशन होती है तो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हो, तो इन्होंने ना कोई मेडिकल, जैसे कल ही इनका हुआ, हमने एम्बुलेंस को कॉल किया तो कल रात का समय था, ट्रैफिक नहीं था, एम्बुलेंस आ गई तो 10 मिनट में हम इनको हॉस्पिटल ले जा पाए, मगर अभी ये जो यहाँ बैठे हुए थे महेश भाई, इनको अभी मतलब अचानक ये इन्हें सर में चक्कर आने लगा और ये बेहोश हो गए, तो इन्हें जब हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो एम्बुलेंस आ नहीं पाई, मेरे पास वीडियो है, तो फिर हम बाहर लेके गए, खुद से पुलिस की PCR खड़ी थी तो उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमें हॉस्पिटल में छोड़ दिया। तो आप बताओ एक बेसिक चीज़ मतलब अनशन भी है, एक तो इनका कोई इतने दिनों में इनका क्या हट है ये हमें समझ नहीं आ रहा, क्या बात है। आप एक बार तो आपने पहले झूठ बोल दिया, चलो नहीं करना था तो आप तो आ तो जाते, मतलब कोई भी आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, आप ये बताओ आपको आने में क्या, आपको खुद डर लग रहा है, चलो मानते हैं कि आप डर गए हो बच्चों से, तो आप अपना कोई प्रतिनिधि भेज दो, आप वीडियो कॉल उसको बोलो कि हाँ हम वीडियो कॉल पे ही आ रहे हैं, आप बात करो, बोल दो हाँ ना बोल दो, तो वो ये भी नहीं कर रहे हैं। अब बताओ अब क्या करें हम लोग, क्या आपका क्या नाम, कम्फर्टेबल हैं आप बात करें? जय भीम साथियों, मेरा नाम अभिजीत रंजन है, मैं LC1 से हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, तमाम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हम लोग 3 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है यहाँ पे, और हमने अभी जैसा बता रहे हैं आप लोग, प्रशासन की तरफ से तो कोई आने को तैयार नहीं है, ऐसे में आपकी जो हेल्थ है वो भी एक मसला है, तो क्या करेंगे अगर प्रशासन नहीं आता है तो? दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है अमानवीय उसका भावना है, उन्हें ये नहीं पता कि अगर हमारा अपना बच्चा होता कि वो कैसे बर्ताव करते, अगर अभी हम मर भी जाए तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार भी उनका कोई प्रतिनिधि आज तक, अभी बात 3 दिन हो गया, 60 घंटे या 65 घंटे हो रहे हैं, अभी तक बात करने भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आए आप लोग क्यों कर रहे हो। एक होता है मानवीय होता है कि अब बच्चे हैं हम लोग 1000 किलोमीटर से दूर, यहाँ घर से दूर पढ़ने आए हैं, किसके भरोसे, डीन के, BC के भरोसे, वो हमारे अभिभावक है, हमारे साथ कुछ होगा, जहाँ हमें अधिकारियों के अधिकार के लिए लड़ना सिखाया जाता है, कानून के लिए लड़ना सिखाया जाता है, जायज़ नाजायज़ बोलने के लिए, वहाँ पे हमारे अधिकारियों का हनन होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों ने 1 अगस्त को प्रोटेस्ट किया था कि ठीक है एग्ज़ाम हम देना चाहते हैं, बट आप एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले रहे हो, अगर हम फेल हो जाए, बहुत सारे 90% फर्स्ट जनरेशन से यहाँ लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, कोई न्यायाधीश बनेगा, इसी में से कोई लॉ मेकर बनेगा,
अब आप उसके भविष्य खेलवाड़ कर रहे हैं। अगर उसे बैक आ जाए, फेल हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा? मानसिक प्रताड़ना बहुत सारा हो गई। नहीं तो जो प्रशासन है वो अक्सर कहता है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो लोग, उनको परेशानी नहीं होती है कि जो राजनीति करने वाले छात्र हैं वो इस तरीके के। हम लोगों ने कल एक सर्वे चलाया, गूगल फॉर्म पे एक सर्वे होता है, 2000 का वोट आया, उसमें से 1865 पक्ष में और जितना शेष जो बचा वो विपक्ष में आया था। मतलब कि एक्सटेंट होना चाहिए। अब खुद ही सोचिए, लॉ का सिलेबस इतना वास्ट होता है, 6 मंथ का पीरियड रहता है एक सेमेस्टर में पढ़ने को, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, फिर उसे 3 महीने में आपको अगर 1 साल का सर दिया जाए, आपको बोला जाए 1 मंथ में आप पढ़ लो, तब पढ़ लीजिएगा क्या? हम लोग के साथ वही हुआ, जैसे ये मेरे साथियों ने बोला कि 2 महीने से क्लास शुरू हुई, ठीक है 2 महीने से क्लास हुई, बट वो प्रॉपरली जो होता है, टीचर वगैरह कोई छुट्टी पर चले जाते हैं, कहीं कुछ कोई काम रहता है, तो 10 मई से प्रॉपर क्लास चल रही है। अब बीच में किसी टीचर को हिट स्ट्रोक भी आ जाते थे, मीटिंग है फलाना ढिमकाना कुछ भी है, तो उसमें क्लास हम लोग की मतलब वो कैंसिल हो जाती थी। प्रॉपर क्लास हम लोग की 2 मंथ क्लास चली, जैसे कि 6 मंथ का सिलेबस, वो 2 मंथ में हम लोग को पढ़ाया गया, और 2 मंथ पढ़ा के आप एग्ज़ाम ले रहे हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? और 4 या 5 अगस्त तक क्लास हमारी चली, बहुत सारी क्लास 4-5 अगस्त तक चला, और एग्ज़ाम 10 से स्टार्ट है, 10 अगस्त से स्टार्ट है, तो 2-3 दिन 4 दिन के गैप में कैसे सारा तैयार कर लेगा? ये भी तो मुद्दा है। बस 10 दिन का हम लोग एक्सटेंशन मांग रहे हैं, और हर एक पेपर में 5 दिन का गैप हो। तो ये मतलब आरोप लगता है छात्रों पे हमेशा कि आप लोग राजनीति करते हैं, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो पढ़ाई से मतलब रखता है, लाइब्रेरी में मिलेगा, आप लोग सड़कों पे अनशन करते हैं। देखिए मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, और मैं किसी भी यहाँ राजनीति से तो यही हुआ कि आप किसी स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ साथी हैं, कोई भी किसी स्टूडेंट यूनियन से नहीं है। और आज जो ये भीड़ उमड़ी है, आपको क्या लगता है कि कोई राजनीति पार्टी पे मतलब चलिए मानते हैं कुछ लोग होते हैं, बट आपको क्या लग रहा है कि हर एक बच्चा राजनीति कोई ना कोई इससे एसोसिएटेड होता है? तो नहीं, ये सब इसलिए आए हैं क्योंकि ये पूरी तरह से न्यूट्रल प्रोटेस्ट था, ये आम छात्रों का था। आप यहाँ पे देख लो, कहीं पे भी किसी भी पार्टी का झंडा नहीं है, ना उन्होंने हमें समर्थन दिया है, ना हम मांगने गए हैं, ये पूरी तरह से आम छात्रों का प्रोटेस्ट है। और ये कह के वो बस अपना पल्ला जार रहे कि होता है ना कि कुछ भी कह दो कि राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो मेन मुद्दा चला जाता है। बट आप लोग जो है, जो आम कॉमन स्टूडेंट हैं उनको वर्ग लाते हैं, राजनीति करते हैं। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं कि जाहिल लोग इस देश पे हुकूमत करें, पढ़े लिखे लोग राजनीति ना करें? पढ़ लिख के लोग राजनीति कर रहे हैं। पढ़ने वाले छात्र तो लाइब्रेरी में मिलते हैं, क्लासों में मिलते हैं, सड़कों पर तो राजनीति। पढ़ने वाले छात्र लाइब्रेरी में मिलते हैं, अच्छी राजनीति छात्र राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति का प्रावधान है संविधान में, कानून में, लिंगदोह कमेटी है, उसके हिसाब से चुनाव होता है, एकदम संवैधानिक चीज है। और पढ़ने वाले लड़के ही यहाँ भी पढ़ते हैं, यहाँ की लाइब्रेरी में भी, और पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। अगर आप राजनीति करने वाले यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ने वाले अगर राजनीति में नहीं जाएंगे तो जाहिल जाएंगे पार्लियामेंट में, गुंडे मवाली जाएंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी सुनी पड़ जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो जो है लोकतंत्र का मंदिर है, और उसमें एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी है। पढ़ने लिखने वाले लड़कों को राजनीति करने दीजिए, ताकि वो पढ़ लिख करके अच्छी राजनीति करके पार्लियामेंट में जाए और वहाँ की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें, देश को मजबूत करें, दुनिया में नाम करें, लोकतंत्र को सशक्त करें। नाम तो ऑलरेडी भारत का हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, हमारे देश को इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं, अमृतकाल जो बना रहे। आप राजनीतिक मुद्दों पर आप जाएंगे तो उस पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई बस यहाँ के प्रशासन से और हमारे बीच की है, हमारी औकात बस इतनी ही है।
देश दुनिया में क्या हो रहा है उस पर जो है, जब ऐसे मुद्दे होंगे आप आइएगा, बहुत अच्छे से हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम दूसरा कुआं खोदने की बात नहीं करेंगे, हमारा एक कुआं खुदा हुआ है। सर, किसी भी देश में अहम रोल निभाता है जो युवा है, छात्र है, वहीं से राजनीति मजबूत होती है। और हर युवा का अधिकार है, उसको इतना हक है कि वो राजनीतिक उसमें हिस्सा भी ले, भागीदारी भी ले और उस पर बात भी करे। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हम पहले अपने विश्वविद्यालय के मुद्दों पर, विश्वविद्यालय प्रयोगशाला है लोकतंत्र का, विश्वविद्यालय के मुद्दों पर, छात्र हितों के मुद्दों पर हम लड़ेंगे। हम VC से लड़ेंगे, हम प्रशासन से लड़ेंगे। यह प्रयोगशाला है, यहाँ बच्चे सीखते हैं, वाद विवाद सीखते हैं, वैचारिक लड़ाई भी होती है, संघर्ष होता है, लेकिन वो आपसी चीज़ें हैं, वो होती रहेंगी। लेकिन जहाँ छात्र हितों की बात आएगी, जहाँ कलेक्टिव इशू है, वहाँ सब एक बैनर के नीचे हैं और सब बस एक ही मांग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन होना चाहिए, और वो भी 10 दिन का, और 2 पेपर के बीच में 5-5 दिन का गैप देना चाहिए। हम मांग रहे हैं एक्सटेंशन और आप मार रहे हैं लाठी। ये क्या डिलेमा, किस तरह का सिचुएशन आपने बना दिया है कि हम कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दो, आप पुलिस भेज रहे हैं, लाठी चार्ज करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटी दे दो, लड़का बेहोश हो रहा है, आप कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि हमें ही बुखार लगा, हम सो रहे हैं। ये बताइए, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया छात्रों के प्रति कैसे, मतलब संभव है कि इस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी चलती है? यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि भी है हर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के 2019 में चुनाव हुआ था, अभी चुनाव भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनसे भी किसी का एफिलिएशन नहीं है। हमने किसी से मदद नहीं मांगी, किसी अपने अधिकारों के लिए, हक के लड़ने के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए एक वकील और एक भावी वकील सक्षम है अपनी बातों को सामने रखने के लिए, अधिकार के लिए लड़ने के लिए। ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा परिवार है, डीन मैडम हमारी गार्जियन है, हमारे परिवार में भी डिस्प्यूट होता है तो हम अपने माँ बाप से आग्रह करते हैं, परिवार से आग्रह करते हैं, नहीं मामला सलटेगा तो परिवार में भी कोर्ट में जाया जाता है। हम लोग यहाँ भी आगे लीगल प्रोसेस देखेंगे, ये हमारे लिए प्रयोगशाला है। क्या लगता है भैया, अगर डिमांड नहीं मानी गई फिर क्या करेंगे? भैया, मैं आपके पहले वाले जवाब क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। पहला बात तो आपको लगता है कि 500 से 1000 स्टूडेंट तो अभी थे, सब क्या लाइब्रेरी में कभी बैठते नहीं थे या पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है क्या? आपको क्या, आप हम लोग बैठे हैं और भी लोग बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जितने लोग थे, जितने मतलब लोग थे, जो स्टूडेंट थे, वो अपने लिए आए थे। ये कोई किसी का मतलब ज़बरदस्ती उन्हें खींच के नहीं लाया गया था, वो अपने लिए आए थे। कोई अपने लिए ही इतने लोग जुटा पाता है? कोई अगर मार खा रहा है, ये हो रहा है, तो ये किस लिए खा रहा? ये नहीं खा रहा कि भाई आप मतलब ये कोई किसी का झंडा उठा करके, कोई दल का झंडा उठा करके आपको दौड़ के आ करके नहीं क्यों मार खा रहा, वो अपने लिए मार खा रहा। तो ये अपना जो अपना अपनी जो बातें हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हमें 10 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, 5 दिन के गैप चाहिए, तो ये जेन्युइन मांगे हैं, ये हर स्टूडेंट का मांग है वो, और हर स्टूडेंट इसीलिए आया हुआ है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि फोर्स करके लाया गया। अब बोलिए, कैंपस में पुलिस का भेजना या उसका इस्तेमाल करना, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई जगह यूनिवर्सिटियों में ऐसी मामले आए हैं कि छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बाहर से पुलिस को बुलाया गया है। बात यही है, यही तो दुविधा है हमारी आज के टाइम की, यही दुविधा है। अब जो हमारी प्रॉक्टर मैडम है, वो यही अभी जो शासित जो दल हैं उनकी कभी एक विधायक के रूप में यहाँ पे यही तिमारपुर से चुनाव लड़ी थी, अब उन्हीं को बचाया जा रहा। हमें तो यही लग रहा कि मैम ने इतना अच्छा से बताया था, यहाँ पे सब कुछ ओके था, 10 हमें एक्सटेंशन भी मिल गया था, हमको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आज वीडियोज भी इसके हैं, हमारे पास सबूत है वीडियोज। तो जो झूठ उन्होंने झूठ बोला, विश्वासघात किया गया हमारे साथ, तब हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये उनको, मुझे लगता है ये पुलिस की षड्यंत्र है और उन्हें बचाने के लिए ये पुलिस ऐसा कर रही है, हम पे जुल्म ढा रही है, और वो सोच रहे हैं कि हम इससे दब जाएंगे। ये दबाव यहीं पे नहीं ख़त्म होगा, ये दूर तलक जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त है हम लॉ फैकल्टी में DU की, जहाँ पर जो लोग के छात्र हैं उनकी डिमांड है कि जो एग्ज़ाम डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए,
जबकि उनका सिलेबस अभी तक पूरा भी नहीं हुआ था, एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी गई थी। तो ये डिमांड है, पिछले 3-4 दिन से लोग बैठे हुए हैं और साफ साफ डिमांड है कि जब तक एक्सटेंड नहीं होगी डेट, तब तक हम अनशन पर बने रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ DU दिल्ली।